हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट ट्विटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करूंगा यॉर्कशायर और लिस्टरशायर के बीच में होने वाले मैच के। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहां पर सारी वीडियो जो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दी है। फ्रेंड, आप चाहो तो इन वीडियो को देख सकते हो मेरे यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाके, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन सारी वीडियो को देख सकते हो। फ्रेंड, तो मैंने इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर भी कुछ चेंजेज हुए हैं। फ्रेंड, इस मैच में भी कुछ चेंज है, यहाँ पर लिस्टरशायर के स्क्वाड में चेंज है। एंड आपको अभी वाला मैच दिखाता हूँ फ्रेंड, कि स्टार्ट हो गया है, 17 ओवर का गेम होगा पर साइड, फिलहाल तो चलेगा बोल के। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बाकी डर्बी शायर का स्क्वाड बिल्कुल ठीक था, जो मैंने प्लेइंग नोट बताई थी 100% से निकली। एंड यहाँ पर जॉर्डन थॉमसन को यहाँ पर लिया गया है आदिल रशीद की जगह, तो बस यही एक बड़ा चेंज है, बाकी तो सब ठीक है। फ्रेंड, और यहाँ पर बात करते हैं हम कल के मैच की। तो फ्रेंड, पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्वाड है, यॉर्कशायर की टीम का स्क्वाड है आज के मैच वाला। तो मुझे नहीं लगता कि आज और कल में कोई यॉर्कशायर की टीम कोई चेंज करने वाली है, अगर कोई चेंज करेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं यॉर्कशायर का प्लेइंग 11, एडम लिथ, कॉडमोर, विलियमसन, गैरी बैलेंस, ट्रेसाल, विली, ब्रेशनन, थॉमसन। तो थॉमसन अगर आज अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कल खेलेंगे, नहीं करेंगे तो इनकी जगह जैक ब्रुक्स भी टीम में आ सकते हैं, लियाम प्लंकेट, रफीक एंड यहाँ पर पैटरसन। तो फ्रेंड, और बात करते हैं यहाँ पर लिस्टरशायर के स्क्वाड की। तो फ्रेंड, लिस्टरशायर के स्क्वाड में दो चेंजेस हुए हैं। एक चेंजेस तो ये है फ्रेंड यहाँ पर, कि जैक चैपल टीम में वापस आ गए हैं, जो कि इंजर्ड थे, फ्राइडे वाला मैच नहीं खेल पाए थे। एंड जावेद को भी टीम में वापस लिया गया है, जो कि इनके ऑलराउंडर है। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या प्लेइंग 11 हो सकती है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। डेक्स्टर, डेलपोर्ट, कोसग्रोव, रेने, अकरमैन, नबी, एकर्सले, कैलम पार्किसन, अब्बास, ग्रिफिथ या जैक चैपल में से कोई एक खेलेगा, बट मुझे लगता है ग्रिफिथ के चांस थोड़ा ठीक है। और पर स्मॉल लीग में आप ग्रिफिथ को बिल्कुल भी ट्राई मत करना फ्रेंड, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। और जैक चैपल को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ट्राई मत करना, क्योंकि थोड़ा चांस कम रहेंगे खेलने के। तो फ्रेंड, जो टीम मैंने यहाँ पर बनाई है इस मैच के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक नज़र उसकी। तो फ्रेंड, ये है उसका टीम प्रीव्यू। विकेट कीपर लिया मैंने एकर्सले को, एंड यहाँ पर बैटिंग में लिया मैंने लिथ, कॉडमोर एंड विलियमसन को। एंड यहाँ से मैं डेलपोर्ट के लिए नहीं गया फ्रेंड, क्योंकि डेलपोर्ट कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं, बार बार जल्दी से आउट हो जाता, तो इसलिए मैं डेलपोर्ट की तरफ नहीं गया, मैं कोसग्रोव की तरफ गया हूँ। कोसग्रोव ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली थी, तो यहाँ पर कोसग्रोव को मैंने अपनी टीम में रखा है। यहाँ पर मैंने रैने को खिलाया फ्रेंड, रैने यहाँ पर 150 और 1 सेंचुरी कर चुके हैं इंग्लिश T20 ब्लास्ट में, तो बहुत अच्छा है इनका परफॉर्मेंस है। यहाँ पर डेक्स्टर को रखा है, एंड यहाँ पर मैंने डेविड विली को रखा है, साथ में रखा है फ्रेंड बॉलिंग सेक्शन में अब्बास को एंड प्लंकेट एंड रफीक, जो कि सबसे बेस्ट है ऑप्शन में। तो फ्रेंड, टीम बिल्कुल सेफ रहेगी। तो आप यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन का ऑप्शन अगर आपको दे दो, विलियमसन अच्छा रहेंगे, कोसग्रोव अच्छा रहेंगे, लिथ अच्छा रहेंगे, रहने भी अच्छा ऑप्शन रहेंगे वाइस कैप्टन का, तो इतने वाइस कैप्टन का और ऑप्शन आपके पास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड मेरा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड ऐड हो सकते हैं, जहां पर मैं आपको अगर मैच से पहले कुछ चेंज करने का होगा तो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा फ्रेंड। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है फ्रेंड, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 9165959889 मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड। तो जहाँ पर मैं जो भी बंदे यहाँ पर ड्रीम में हार रहे हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका लॉस कवर करा सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड बगल में एक घंटी वाला बटन है, उसको जरूर दबा देना, ताकि मेरी वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके फ्रेंड्स।